Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Pooja Bhatt. 90s के दौर में ना, she was titled as a controversial queen. कभी न्यूज आर्टिकल्स में देखने मिलता अबाउट पूजा स्लिप ब्लॉक विद हर फादर महेश भट्ट, कभी वो करिश्मा कपूर के मदर के अगेंस्ट कुछ टेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रही हो, तो किसी न किसी वे से पूजा के बारे में तभी हमेशा बात होता था। पूजा 24 फरवरी 1972 को बॉर्न हुई थी। महेश भट्ट एंड उनकी फर्स्ट वाइफ फ्लोरेंट ब्राइट की पूजा डॉटर है। उन दोनों को साथ में एक बेटा भी है। लॉरेंट ब्राइट ने शादी के बाद अपना नाम किरण भट्ट रख लिया। लेटर ऑन महेश भट्ट एंड किरण सेपरेट हो गए, बट दोनों ने कभी डिवोर्स नहीं लिया। फिर कुछ साल बाद महेश भट्ट को सोनी राजदान से प्यार हुआ एंड सोनी से महेश भट्ट को ना शादी करना था, बट उन्हें अपने पहले वाइफ को भी नहीं छोड़ना था। इसलिए महेश भट्ट ने कन्वर्ट होने का डिसीजन लिया सो दैट वो दूसरी शादी भी कर पाए, एंड दूसरी शादी से उन्हें दो डॉटर हुई, शाहीन एंड आलिया भट्ट। तो दैट इज हाउ पूजा भट्ट एंड आलिया भट्ट आर रिलेटेड। एनीवे 17 ईयर्स की यंग एज में ही पूजा ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। पहली फिल्म 1989 में डैडी नाम से पूजा की रिलीज हुई। देन हर बिगेस्ट सोलो हिट वाज दिल है कि मानता नहीं 1991। यहाँ से लोग पूजा के दीवाने होने लगे। शी वाज यंग ब्यूटीफुल एंड अ कॉन्फिडेंट गर्ल, बट एक ऐसा साइड भी था पूजा का विच वाज वेरी वियर्ड। लाइक आउट ऑफ नोवेयर ड्यूरिंग वन इंटरव्यू शी स्टार्टेड मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट करिश्मा कपूर्स मदर, जिनका नाम बबीता कपूर है, वो रणधीर कपूर की वाइफ है। पूजा ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि करिश्मा की मदर जैसे उसके करियर में इंटरफेयर करी है ना, वो करिश्मा के करियर को बिगाड़ सकता है। एंड और भी कई डेरोगेटरी चीजें उसने बोली। वो वक्त में रणधीर कपूर एंड बबीता जी अलग अलग रहने लग गए थे। उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया था बट वो सेपरेट हो चुके थे, तो उस पर भी उसने कुछ बोला था। एंड करिश्मा कपूर ने भी 1991 में अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया था। एंड जब उसे पता चला कि पूजा ने क्या क्या बोला है, तब शी वॉज शैटर्ड। करिश्मा कपूर गॉट वेरी एंग्री एंड उसने एक इंटरव्यू में ये बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई विश शी वुड कीप क्वाइट, आई थिंक बेसिकली समथिंग इज रॉन्ग विद हर, आई विश आई कुड हेल्प हर। उसने फिर ये भी बोला कि मुझे कुछ बोलना है तो वो बोले, बट उसके पेरेंट्स को ड्रैग करके उनके अगेंस्ट डेरोगेटरी चीजें बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है एंड उसकी जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया दैट पूजा भट्ट वाज डूइंग ऑल दिस आउट ऑफ जेलसी, रीजन बीइंग करिश्मा को कंपैरेटिवली अच्छी फिल्में मिल रही थी। डेब्यू के बाद से ही बैक टू बैक हिट फिल्में वो देती गई एंड सेम मोमेंटम पूजा हासिल नहीं कर पा रही थी। उसकी कई फिल्में फ्लॉप जा रही थी। दोनों भी एक्ट्रेस ना फिल्म्स के लिए कम्पीट करने लग गए थे एंड हेंस पूजा भट्ट स्टार्टेड बैड माउथिंग करिश्मास फैमिली। फिर अपने करियर के दौरान ना पूजा ने राहुल रॉय के साथ भी फिल्में की है एंड इनकी जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। इनके पोस्टर्स को भी कलेक्ट किया जाता। उसके बाद पूजा भट्ट ने एक ऐसा फोटोशूट किया विच मेड मेनी पीपल एंग्री, स्टारडस्ट का फरवरी 1994 मैगजीन एडिशन सर्च करना, यू विल फाइंड दिस, महेश एंड पूजा भट्ट इन अ लिप लॉक, ऐसा आर्टिकल सर्कुलेट होने लगी। दोनों को बहुत हीट मिला इसके लिए, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड जब महेश भट्ट को ये पूछा गया कि ऐसा फोटोशूट उन्होंने क्यों किया, तब हिज आंसर वाज, आई लव पूजा, आई वांट टू मैरी पूजा, इफ शी वाज नॉट माय डॉटर देन आई वुड हैव रियली मैरिड हर। अभी ये स्टेटमेंट में आई लव पूजा से किसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज हर फादर अपनी डॉटर से प्यार करता है। बट बाकी का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऑडियंस शॉक में थे कि हाउ कैन ही गिव आउट सच ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स, ऐसा कोई अपनी डॉटर को कैसे फैंटेसाइज कर सकता है कि अगर ये मेरी डॉटर नहीं होती तो मैं इससे शादी करता। वो एरा में दिस फोटोशूट वाज कंसीडर्ड इनडिसेंट। और ये जब फोटोशूट हुआ ना, तब पूजा कुछ 22 इयर्स की थी। एंड ये फोटो के बाद से रूमर सर्कुलेट होने लगे कि आलिया भट्ट महेश भट्ट एंड पूजा भट्ट की डॉटर है। ये आर्टिकल्स भी आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे। और ये रूमर इसलिए शुरू हुआ बिकॉज महेश भट्ट ने बहुत सीक्रेटिव वे में सोनी राजदान से शादी की थी। अरे, ये दूसरी शादी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। एंड 1993 में आलिया भट्ट वॉज बॉर्न। फिर 1994 में पूजा एंड महेश भट्ट का ये फोटोशूट बाहर आया, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया एंड पीपल वेर लाइक आलिया भट्ट पूजा भट्ट की डॉटर है एंड मैरिंग सोनी वॉज लाइक अ कवर अप। लोगों को ये पता था कि पहली शादी टूट गई है बट दूसरी शादी के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रहा था। एंड ऑफकोर्स ये रूमर्स में कोई सच्चाई नहीं थी, आलिया भट्ट सोनी जी की डॉटर है। पर ये फोटोशूट की वजह से वो चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुए एंड ऐसे थियोरीज लोग बनाने लगे एंड पूजा का इमेज भी इससे काफी टार्निश हुआ, जिस वजह से इतने अच्छे रोल्स पूजा को नहीं मिल रहे थे। शी वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हेंस फिल्म मेकर्स थोड़ा कॉशियस हो जाते। 1989 से लेकर 1998 तक शी डिड फिल्म्स, बट कई फिल्में पूजा की नहीं चली, जिसके बाद वो साइड रोल्स करने लगी एंड इवेंचुअली उसने फिल्में करना भी कम कर दिया। एंड देन कुछ साल बाद एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसने काम करना शुरू कर दिया एंड एक्टिंग से दूरी बनाए रखी। पूजा जब फिल्म्स कर रही थी उस दौरान शी डेटेड बॉबी देओल, सोहेल खान, फरदीन खान। 1995 के एक इंटरव्यू में शी सेड दिस कि फ्यूचर में सोहेल एंड उसकी शादी के भी प्लान्स हैं, जस्ट दैट सोहेल एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर ले बॉलीवुड में एंड वो और 2 साल एक्टिंग करना चाहती है, इसलिए दे आर वेटिंग। बट ये रिश्ता नहीं चला। सोहेल जब बॉलीवुड में आया उसके बाद वो सीमा से मिला एंड देन 1998 में ही मैरिड हो। एंड सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप पूजा का रणवीर के साथ था। ये दोनों भी सेट्स पे ही मिले थे एंड इनके रिलेशनशिप के बारे में इतना बात इसलिए हुआ क्योंकि सेपरेशन के बाद दोनों ने भी एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए थे, मीडिया में आके स्टेटमेंट्स दिए थे।
इन लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में थे बट दे डिसाइडेड टू सेपरेट, जिसके बाद मीडिया में पूजा भट्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो एक अल्कोहलिक एंड अब्यूसिव पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। ये स्टेटमेंट बाहर आने के बाद काफी ब्लेम रणवीर पे लगा, जिस वजह से रणवीर ने भी कई चीजें रिवील की। ही सेड कि वो अब्यूसिव नहीं था, इंस्टेंट झगड़े जब भी होते क्लैशेस अवॉइड करने के लिए वो वहां से वॉकआउट कर लेता, बट ये चीज पूजा को पसंद नहीं थी। एंड पीने के बाद रणवीर वायलेंट होता, उसका वो नेचर निकलता, बट पूजा तो बिना पिए भी एक वायलेंट पर्सन थी एंड पीने के बाद भी वो वही करती, एंड उसके साथ पूजा अब्यूसिव रह चुकी है। इवन ही सेड कि एंड में जब उसने पूजा से अलग होने का डिसाइड किया एंड अपना सामान लेके वो घर से निकला, तब उसकी कार के ग्लास वगैरह भी तोड़े गए थे। तो बैक एंड फोर्थ इनमें एलिगेशंस लगे हैं। देन 2003 में पूजा मेट मनीष, जो एक वीजे था और उसका एक रेस्टोरेंट भी था। 2 महीने तक उन्होंने डेट किया, देन शादी कर ली, एंड ये शादी 11 साल तक चली। बट 2014 में दे सेपरेटेड। पूजा भट्ट की लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है, एंड वो डिवोर्स के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि आई चूज टू लिव लाइफ ऑन माई टर्म्स एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म टू द गैलरी। सर्टिफिकेट्स डोंट मेक और ब्रेक मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स, लाइफ डस। पूजा भट्ट हैज बीन वेरी क्लोज टू हर फादर एंड हिज आइडियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप्स हैज बीन वेरी डिफरेंट, एंड पूजा हैज पॉइंटेड दिस आउट इन हर इंटरव्यूज कि उसका पर्सपेक्टिव भी रिश्तों को लेकर काफी बदला है उसके फादर की वजह से। वो जैसे रिश्तों को देखते हैं वो काफी अलग है। So she has been highly influenced by Mahesh Bhatt's thought process. And if you ever listen to his ideologies now, then there is a possibility that you may find it twisted or absurd. So yeah, that's it for this video. Do let me know ki Pooja Bhatt ki Bollywood journey ke baare mein aapka kya kehna hai. And if you want, you can follow us on Instagram, jiska link aapko description mein mil jayega. Aur ye video achhi lagi ho to like and share kare aur aise aur updates ke liye channel ko please subscribe kare. Thank you.